रिहंद जलाशय में नहाने गए दो युवक डूबे। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है, तो वहीं दूसरे युवक के शव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मंगलवार की देर शाम नहाने पहुंचे थे ये चार लोग। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कन्हैया लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कन्हैया, ये कैसे हुई घटना, आखिर कैसे ये डूबे दो युवक जिनमें से एक को फिलहाल बचा लिया गया? जी आपको बता दें अंजलि जी की ये सोमवार को रिहंद डैम में गए थे, जो गहराई ज्यादा होने के कारण उसमें दो लोगों में से एक को बचा लिया गया है। एक की अभी तलाश जारी है, जहां एनडीआरएफ की टीम मौजूद है फिलहाल। जी कन्हैया, ये बताइए कि यहां पर जो चार लोग पहुंचे थे, क्या उन्होंने भी बचाने का प्रयास किया था उन दो युवकों को? जी जी बिल्कुल, उन्हीं लोगों ने तो शोर मचाया कि दो लोग रिहंद डैम में डूब चुके हैं। अब जो फिलहाल क्या पुलिस को कहां तक सफलता मिल पाई है, जो दूसरे युवक की तलाश चल रही है? अरे फिलहाल में तलाश जारी है जी। अब इतने वाली बड़ी बात होगी कितने देर में युवक की लाश मिलती है। जी कन्हैया बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि रिहंद जलाशय में नहाने गए दो युवक डूब गए। एनडीआरएफ की टीम ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है, तो वहीं दूसरे युवक के शव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। टीम मंगलवार की देर शाम नहाने पहुंचे थे। बता दें कि मंगलवार की देर शाम ये चार युवक नहाने पहुंचे थे, जिनमें से दो युवक डूब गए और उन दो युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है, तो वहीं दूसरे की तलाश अब तक जारी है। बता दें कि गहराई में नहाने के दौरान पानी में ये दो युवक डूबे थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र के बताए जा रहे हैं चार युवक। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के रिहंद जलाशय में कोटा बोट पॉइंट की यह घटना बताई जा रही है।